सब्सक्राइब कीजिए सूर्योमा लर्निंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, फाइव मोस्ट वेलकम टू सूर्योमा लर्निंग। स्वागत है आप सभी का सूर्योमा लर्निंग में। और अपने इस वीडियो में हम देखेंगे रेड फोर्ट को किसी कंपनी ने गोद ले लिया है, किस कंपनी ने गोद लिया है, क्यों लिया है, किस स्कीम के अंडर लिया है और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, रेड फोर्ट हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस वजह से काफी इम्पोर्टेंट है और ये पहला मॉन्यूमेंट है इंडिया की का जो कि अडॉप्ट किया गया है। किस कंपनी ने अडॉप्ट किया है इसको? डालमिया भारत ग्रुप, डालमिया भारत ग्रुप ने इसको अडॉप्ट किया है। ये भारत की ही कंपनी है, इंडिया की कंपनी है और जो कि 9 अप्रैल 2018 को इसको अडॉप्ट किया गया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए अडॉप्ट किया गया है। 5 साल में ये कंपनी गवर्नमेंट को देगी 25 करोड़ रुपए, मतलब कि 1 साल में कितने देगी? 5 करोड़। ठीक है, तो 1 साल में ये 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देगी, इस तरह से 5 साल में ये 5 करोड़ देगी। और कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट होगा? कंपनी के लिए कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कैसे? फाइनेंशियली कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बट कंपनी के ब्रांड का नाम आगे बढ़ेगा, कंपनी की पब्लिसिटी काफी होगी, तो इस वजह से इन्होंने इसको गोद लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत का पहला मॉन्यूमेंट है जो कि गोद लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है डालमिया कंपनी जिसके सीईओ हैं मिस्टर महेंद्र सिंह ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज, ये डालमिया कंपनी कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो 1930 में एस्टेब्लिश की गई थी और ये काफी सारी कंपनीज का ग्रुप है। 1930 में एस्टेब्लिश की गई थी, इसके सीईओ हैं ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका डालमिया कंपनी के बारे में, और इसने रेड फोर्ट को गोद लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्कीम के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया है? कौन सी स्कीम थी जिसके अंदर ऐसा किया गया है? तो देखिए, स्कीम थी आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई थी, किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी। कब? 27 सितंबर 2017 को। जिस कब था ये? 27 सितंबर 2017 को क्या था? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2017 को ये स्कीम लॉन्च की गई और इसके बाद आज 9 अप्रैल को ये गोद ले लिया गया इस स्कीम के अंदर डालमिया ग्रुप ने रेड फोर्ट को। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट क्यों किया गया है? टूरिज्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन के लिए, इन टूरिज्म ये जो साइट्स हैं इनको बहुत अच्छा बनाने के लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिले, लोग आए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी इनको गोद देने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्या एमओयू साइन किया गया है और किस किस के बीच में साइन किया गया है? देखिए, एमओयू साइन किया गया है मॉन्यूमेंट मित्र और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में। मॉन्यूमेंट मित्र और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में एमओयू साइन किया गया है। ये मॉन्यूमेंट मित्र कौन होंगे? वो सभी लोग, वो हर लोग जो कि इसको गोद लेंगे, जो कि इस साइट्स को, इस स्कीम के अंदर जो भी साइट्स हैं उन हेरिटेज साइट्स को ये गोद लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो उन सब को मॉन्यूमेंट मित्र बोला जाता है। ठीक है, अब एमओयू टर्मिनेट हो सकता है किन किन कंडीशंस में? जब भी अगर कंपनी इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस ये फॉलो नहीं करेगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले रेड फोर्ट में सीधा 5 साल के लिए दिया गया है, बट इस स्कीम के अंदर पहले 2 साल का एमओयू होगा, 2 साल के लिए दिया जाएगा, फिर उसके बाद जब उनको इनका सारी सब चीजें सही लगेंगी तो ये 5 साल के लिए बढ़ा के कर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, कौन अडॉप्ट कर सकता है इस चीज को? तो हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज कर सकती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कर सकती है और कोई भी इंडिविजुअल इसको अडॉप्ट कर सकता है, हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा, क्या रीजंस थे? देखिए, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या चाहती है गवर्नमेंट? वो चाहती है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी देखरेख अच्छे से हो, यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, यहाँ
का के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्या देखिए, अगर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा, यहाँ पे काम चलेगा, तो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, लोकल जो युवा हैं, उन सबको रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही इसका तैयार होगा, यहाँ पे इस पे काम चलेगा, तो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, लोकल कम्युनिटीज है, उनका लिवलीहुड चेंज होगा और उनको काफी रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो एक रीजन ये है। दूसरी चीज, ये कल्चरल और हेरिटेज वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, लिवलीहुड तैयार करने के लिए, लोकल कम्युनिटीज को इनको इनको रोजगार दिलाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। इनके ये काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कंपनी क्या करेगी यहाँ पे, कंपनी इसका अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करेगी लोगों को, तो वो सब हम देखते हैं। इसके फीचर्स क्या है देखिए, अंडर द प्रोजेक्ट इट इज कंस्ट्रक्टेड लैंडस्केप, यहाँ पे लैंडस्केप तैयार करेगी। उसके अलावा बेसिक और एडवांस्ड एमिटीज होंगी, कुछ बेसिक एमिटीज होंगी जो पहले ये पूरा करेंगे, फिर एडवांस्ड एमिटीज होंगी, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, ये क्लीनलीनेस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, सर्वेलियंस सिस्टम होगा। इसके अलावा ये लोगों को यहाँ पे सुविधाएं होंगी, यहाँ पे कैफेटेरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि आपके टॉयलेट्स बनाए जाएंगे यहाँ पे। और इसके अलावा बाकी जो भी पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो बार बार यहाँ आए, एक बार आने के बाद बार बार आए, क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी जो इनकी हालत है, हेरिटेज साइट्स की जो हालत है, वो बहुत ही खराब है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया गया, इनको एक तरह से गोद दे दिया गया, 5 साल के लिए किसी कंपनी को दे दिया गया, वो कंपनी इस पे काम करेगी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, इसको काफी टाइम तक इसको सब तरह से ठीक करेगी। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर्स। अब थोड़ा देख लेते हैं रेड फोर्ट के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि रेड फोर्ट क्या है, क्योंकि अगर इसको अडॉप्ट किया गया है तो इस पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकता है। ये हिस्टोरिक फोर्ट है दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में ये हिस्टोरिक फोर्ट है, जो कि मुगल डायनेस्टी का है। इसमें ये 200 साल तक रहे थे, कब तक, 1856 तक। ठीक है, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, 1639 में शाहजहां ने इसको बनवाया था। इसका आर्किटेक्ट कौन था, किसने बनाया था इसको, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2007 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे रेड फोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ और भी देखते हैं हम, कुछ और हेरिटेज साइट्स भी हैं जिनको अडॉप्ट करने के लिए बोला गया। समथिंग 93+ हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की, जिनको अडॉप्ट करने के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक है, और करीब 325+ कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इसके लिए, कंपनीज इतनी कंपनी चाहती हैं अडॉप्ट करना। अब ये बात है कि किसको मिलेगा, कौन अच्छा ऑफर देता है, गवर्नमेंट उसको देगी ये, क्यों ऐसा कंपनीज कर रही हैं, कंपनीज ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें इससे काफी फायदा है, उनकी ब्रांड का नाम हो रहा है, काफी लोग उन्हें जानते हैं। जब उस ब्रांड का नाम होगा तो उसकी परचेजिंग ज्यादा होगी, उसको लोग ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, तो ये होते हैं इनके फायदे। अब जैसे दालमिया कंपनी की बात करें, तो दालमिया कंपनी का टर्नओवर 7000 करोड़ का है। ठीक है, अब इसमें से ये 5 करोड़ एक साल में किसी को दे देता है, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा लगाएगा, जो सुविधाएं देगा, वो अलग से, बट स्टिल इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा इनकी कमाई हो जाएगी इनकी ब्रांडिंग करने पर। ठीक है, इनकी पब्लिसिटी होने पर इनकी बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कमाई हो जाएगी, तो इस वजह से हर कंपनी चाहती है इसको अडॉप्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए काफी सारी कंपनीज ने अप्लाई किया था, फाइनली ये दालमिया कंपनी को मिला, और ये पहला मॉन्यूमेंट है जो कि अडॉप्ट किया गया। इसके बाद और भी मॉन्यूमेंट्स अडॉप्ट करने की प्रोसेस चल रही है, यूपी गवर्नमेंट भी चाहती है, राजस्थान गवर्नमेंट भी चाहती है, एमपी गवर्नमेंट भी चाहती है कि इनके यहाँ के हेरिटेज साइट्स को अडॉप्ट किया जाए। इससे फायदा यही है, गवर्नमेंट को यही फायदा हो रहा है कि उसको काम मिल जा रहा है, और गवर्नमेंट को इससे ये फायदा हो रहा है कि हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है, और इनकी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो रहा है, ये अच्छे से हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इतना वर्क नहीं करते, या गवर्नमेंट इतने अच्छे से वर्क नहीं करती हमारी, और अगर वही प्राइवेट कंपनी करती है, प्राइवेटाइजेशन होता है, तो वहां पे वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर लिया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स थे जो हमने इसके बारे में समझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आया है तो
प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।